पुलिस ने गश्त के दौरान नशीले इंजेक्शन बेचने वाले को दबोचा। एरिया SHO रोहताश यादव इंदिरा कॉलोनी में कर रहे थे गश्त। आरोपी की पहचान इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले नरेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस को युवक पर लगा शक, जब उससे रोकना चाहा तो वह भागा। आरोपी पुलिस को देख भागने लगा, मुलाजिमों ने दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से 20 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किया मामला दर्ज, भेजा जेल। कल हमने अपनी टीम में भेजी हुई थी अलग अलग जगह पे भी, तो जो इंदिरा कॉलोनी, न्यू इंदिरा कॉलोनी एरिया में हमारी टीम जब गश्त कर रही थी तो एक लड़का उनको दिखाई दिया शक की हालत में। तो जब उसको रोका तो उसके हाथ में से 20 इंजेक्शन, जो कि नशीले इंजेक्शन थे, वो पाए गए, जिस पे उसको खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। नहीं, गुप्त सूचना नहीं मिली थी। नरेंद्र कुमार नाम है लड़के, एज 22 ईयर, वो इंदिरा कॉलोनी का ही रहने वाला। नहीं, पढ़ाई नहीं करता था, यही नशा भी करता था और नशा बेचता था। कहने में तो वो कहता था मैं कबाड़ का काम करता हूँ। नहीं, पहले कोई मामला नहीं उसका। तो सुना आपने क्या कुछ कहा IT पार्क थाना प्रभारी रोहताश यादव ने। जुड़े रहे अर्थ प्रकाश TV के साथ, मैं मनीष कुमार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।